टॉप 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज जो बनाए आपको इनविजिबल। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, जो कि है क्वांटम स्टेल्थ। ये टेक्नोलॉजी बनाई है एक हाइपर स्टेल्थ बायोटेक्नोलॉजी कोर से, वैसे ही जैसे हैरी पॉटर मूवी में हैरी गायब हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी चीजों को बिल्कुल इनविजिबल बना देती है। ये शील्ड लाइट बेंडिंग मटेरियल से बनी है, जिसे बोलते हैं ब्रॉडबैंड इनविजिबिलिटी। किसी भी चीज को छुपाने, चाहे वो टैंक हो, कार हो, बाइक हो, कुछ भी हो, बहुत ही कारगर। कंपनी का मानना है कि ये बहुत ही तरह के स्पेक्ट्रम्स को बेंड करने में कारगर है, इंक्लूडिंग थर्मल ऑल्सो। और का कहना है कि ये उनकी इस टेक्नोलॉजी की काफी सारी अभी तरफ की एप्लीकेशन निकालेंगे। नंबर 9, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लॉकिंग। स्पेन के रिसर्चर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी पर, जिसका नाम है EMC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लॉकिंग। इस टेक्नोलॉजी में काम आती है प्रिंसिपल बिहाइंड प्लाज्मोनिक क्लॉकिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लॉकिंग एक तरह की इंटरेक्शन है लाइट और नैनो स्ट्रक्चर्स के बीच की। जब लाइट और नैनो स्ट्रक्चर्स इंटरेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होता है, जो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही गायब कर देता है। पर इस टेक्नोलॉजी के बहुत लिमिटेशंस हैं कि ये बहुत छोटी चीजों को ही गायब कर सकता है। सो नंबर 8, ऑक्टोपस से इंस्पायर्ड सिंथेटिक स्किन। अक्सर देखा गया है साइंटिस्ट हमेशा नेचर की ही तरफ देखते हैं जब उन्हें नई टेक्नोलॉजी की तलाश होती है, पर ये टेक्नोलॉजी कुछ अलग तरह की है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो नकल करे सेफलोपॉड्स की। अब सेफलोपॉड्स क्या है? सेफलोपॉड्स वो समुद्री जीव जंतु हैं जो अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कि वो छुप सकें और अपना शिकार करने में उन्हें आसानी हो। इसमें जो जानवर आते हैं वो हैं जैसे कि स्क्विड, ऑक्टोपस और कैटलफिश। साइंटिस्ट भी ऐसी ही एक स्किन बनाने में जुटे हैं जो कि हमारे सोल्जर्स को मदद करे जंग के मैदान में छुपने के लिए और उन्हें इनविजिबल बना सके दुश्मनों के लिए। नंबर 7, स्पेक्ट्रल क्लोकिंग। ये बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो बनाई है रिसर्चर्स की टीम ने और इंटर इंस्टीट्यूट नेशनल डेलॉग रिसर्चर साइंटिफिक मॉन्ट्रियल। इसमें एक केबल होती है, लेजर लाइट होती है और ऑब्जेक्ट होता है जिसे हमें छुपाना है। इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है जो कि ऑब्जेक्ट को इनविजिबल बनाती है। नॉर्मली जो लाइट है हमारी वो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करती है, उसके सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है ताकि हम उसे देख सकें। मॉन्ट्रियल में रिसर्चर्स ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे जो सारे सक्सेसफुल रहे। एक प्रेस मीट में साइंटिस्ट ने कहा है कि उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से इनविजिबल बना दिया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है स्पेक्ट्रल क्लॉकिंग में। देखिए, साइंटिस्ट बहुत ही एक्साइटेड हैं फ्यूचर एडवांसमेंट के लिए। नंबर 6, द कार्पेट क्लॉक। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने कंट्रोल करना शुरू करा है लाइट की इंट्रैक्शन को। उन्होंने बनाया है एक ऐसा कार्पेट क्लॉक जो बना है सिरामिक पार्टिकल से, जिससे कि ऑब्जेक्ट को उसके नीचे रख के उसको गायब करा जा सकता है। में इन्होंने वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को यूज़ करा है, जिससे कि कारपेट के नीचे रखी हुई चीज़ लाइट के लिए बिल्कुल ही इनविजिबल हो सके। हमें सिर्फ कारपेट का सरफेस ही दिखाई देगा। प्रोजेक्ट प्रोफेसर शिंग जंग देख रहे हैं, जो कि अभी भी स्टार्टिंग स्टेज पे है। सर, प्रोफेसर और उनकी टीम का कहना है कि ये हमारे इनविजिबिलिटी को समझने के तरीके को ही चेंज कर देगा और इनविजिबिलिटी को हकीकत बनाएगा। नंबर 5, शैन शिगूज इनविजिबिलिटी क्लॉक। शैन शिगूज हैं डेप्यूटी हेड ऑफ क्रिमिनल एंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट एट मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी इन चाइना, जिनका क्लेम करना है कि उन्होंने सक्सेसफुली एक इनविजिबल क्लॉक बनाया हुआ है। इन्होंने यूट्यूब पे भी अपनी वीडियो डाली है जिसने बहुत सारे व्यूज बटोरे। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्लॉक मेड ये बना है ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। इनका कहना है कि इनकी टेक्नोलॉजी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे कि क्लॉथ के पीछे जो भी खड़ा है वो बिल्कुल इनविजिबल हो सकता है। इनका कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सोल्जर्स यूज करेंगे, जो कि उन्हें रात के समय में नाइट विजन से बचाएगा। लोगों का कहना है कि एक इनटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से करा है और ये सब नकली है। इसका कोई प्रूफ नहीं है और ना ही क्लॉक का। नंबर 4, द रॉचेस्टर क्लॉक।
ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है बट बहुत ही लाजवाब है और अमेजिंग है। ये बनाई थी जॉन हाओ ने। जॉन हाओ फिजिसिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर में। इन्होंने ये बनाया था, इनके एक पार्टनर भी थे जो हैं ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जोसेफ चो। साथ में मिलकर इन्होंने वर्ल्ड की बहुत ही अच्छी और लाजवाब इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी बनाई है। इस टेक्नोलॉजी में चार लेंस का सेटअप है। जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से कुछ फीट की दूरी पर चला जाता है तो ये लेंस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही इनविजिबल बना देते हैं। इसको काम करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे गायब होने वाली जगह पे होना ज़रूरी है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉकिंग एरिया। एक सिलेंड्रिकल शेप है जो कि फर्स्ट और लास्ट लेंस के बीच में होती है। ये बहुत ही आसान है बनाने में और ये बहुत ही पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो सकते हैं मार्केट में। नंबर 3, इनविजिबल एक्टिव कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या है? मिलिट्री के द्वारा यूज होने वाली ऐसी चीज में एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पेंट करे होता है, तो उसे पहनने के बाद आप एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा बन जाते हो, आपको कोई देख नहीं सकता। टीयूवी और कोलीग्स ग्रीस और वेस्ट के, इन्होंने ये नया टेक्नोलॉजी बनाई है। में एक बॉल से एक ओपेक मटेरियल निकल के आपकी पूरी स्किन पे आ जाएगा और एक तरह का वेव पैटर्न बनाएगा आपके चारों ओर, जो आपको बिल्कुल इनविजिबल बना देगा। ये तरीका मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा। कैमोफ्लाज वाली टेक्नोलॉजी को इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी सभी तरह की वेव्स पर काम करेगी और साउंड वेव्स पर भी, जो कि बहुत बड़ी बात है। पर ये टेक्नोलॉजी अभी भी एक्सपेरिमेंट स्टेज पर है, जब बनेगी तो बहुत ही खतरनाक होगी। नंबर 2, टोयोटास क्लॉकिंग डिवाइस। क्या हो अगर आपकी गाड़ी अंदर की तरफ से इनविजिबल हो, मतलब कि आप गाड़ी के अंदर से बाहर का सब कुछ देख सकें। कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी टोयोटा वालों ने निकाली है जो कि कार को बिल्कुल ही इनविजिबल कर सकती है अंदर की साइड से, जिससे ड्राइवर को कार चलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। पैसेंजर्स को एक्सीडेंट के टाइम कम से कम चोट लगे, इसलिए गाड़ी को सेफ बनाने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ी का इनर स्पेस बढ़ा दिया है, जिससे हमें ज़्यादा स्पेस मिल सके, एक्सीडेंट के टाइम हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपना बचाव कर सकें। पर इससे नुकसान ये हुआ कि गाड़ी कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई और एक्सीडेंट चांसेस बढ़ गए, क्योंकि गाड़ी का बड़ा होने के बाद उसके इधर उधर देखना टर्निंग में हेल्प नहीं होती है, हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए टोयोटा ने एक तरीका निकाला है, जिसमें उन्होंने अपने गाड़ी के इनर बॉडी पार्ट्स लाइक डोर और उसका डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें और बैक साइड के सीट्स को इनविजिबल करने की एक तरीका ढूंढा है। सेफ ड्राइविंग और अच्छी विजिबिलिटी के साथ एक्सीडेंट प्रूफ बनाने के लिए टोयोटा का ये डिज़ाइन है, जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा, टोयोटा का ये कहना है। नंबर 1, इनविजिबल ग्लास। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑब्जेक्ट को छुपाने की कोशिश करती हैं, पर क्या हो अगर ऑब्जेक्ट ही इनविजिबल हो जाए। चेजी ब्लॉक और उनके सहयोगी ने एक ग्लास डेवलप करा है जो बिल्कुल ही इनविजिबल है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट इनविजिबल ग्लास है, जो कि डेवलप किया है ब्रुक हेवन नेशनल लाइब्रेरी में। छोटे इंसेक्ट जिनकी बहुत सारी आईज होती हैं, उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये ग्लास बनाया है, जिसमें ग्लास की पूरी ग्लेयरनेस ख़त्म कर दी है, यानी जिसको हम चमक बोलते हैं, कि इसे भी बिल्कुल इनविजिबल बना देता है। जब एक ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली होती है तो उसमें एक बहुत छोटे छोटे कोन्स बन जाते हैं, जो कि रेत के एक दाने से हज़ार गुना स्मॉल होते हैं। ये कोन लाइट को इस तरह से ट्रांसमिट करते हैं जैसे पहले कभी नहीं किया। इस टेक्नोलॉजी को लगाने पे जो ग्लास है वो 97% ऑफ लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है, जो कि नॉर्मल ग्लास में 92% ही होता है, बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका एप्लीकेशंस हम स्पेक्स में कर सकते हैं, कार के विंडशील्ड में, सोलर पैनल्स में कर सकते हैं और स्मार्टफोन्स में। वैसे तो हर एक ग्लास इनविजिबल ही होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, पर वो पूरा इनविजिबल नहीं होता है, वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो ये टेक्नोलॉजी क्या करता है, ग्लास को पूरा इनविजिबल बना देता है बिना किसी लाइट को रिफ्लेक्ट किए। ये हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। ऐसी ही टॉप 10 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। हम दोबारा मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। नमस्कार।